ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण भागवत में एक प्रसंग है श्री वित्रासुर उपाख्यान। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले भागवत किसको कहते हैं? बोले भागवत उसे कहते हैं जिसमें श्री वित्रासुर की कथा हो, उसको भागवत कहते हैं। प्रश्न है वित्रासुर की जो कथा और वित्रासुर की जो स्तुति है उसमें ऐसे क्या चीज है जिसके लिए कहते हैं जिसमें इनकी कथा और इनकी स्तुति हो उसको ही भागवत कहते हैं? इसमें है क्या चीज? कहते तो उसमें बड़ी सुंदर उनकी जो स्तुति, बड़ा सुंदर स्तुति श्री वित्रासुर का। कहते ये पूर्व जन्म में ये थे चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज थे। कहते एक समय ये चित्रकेतु महाराज विमान में बैठी करके अपना पत्नियों को लेकर के आकाश में भ्रमण कर रहे थे। करते करते कभी कैलाश में पहुंचे, वहां पर देखा शंकर जी माता पार्वती को गोद में बैठा करके और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बड़े तत्व ज्ञान के उपदेश दे रहे थे। चित्रकेतु महाराज कहते हैं ये बड़े भक्त है। कहते शंकर शरण इनकी गुरुदेव है और श्री हाँ कहते ये गुरुदेव इनके श्री शंकर शरण हैं। और कहते जो शंकर जी है ये इनका भी गुरु श्री शंकर शरण है, इसलिए ये गुरु भाई लगते हैं। इसलिए गुरु भाई होने का नाते कभी कभी गुरु भाई भाइयों में कभी कभी ठिठोली कभी हंसी दिलगी कर लेते हैं। यद्यपि शंकर जी की महिमा चित्रकेतु महाराज को पता है लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने थोड़ी सी उनको ठिठोली कर दी, ठिठोली हंसी दिलगी कर दी। बोले हंसी दिलगी क्या की? बोले पत्नी को तो एकांत में कोई लेकर के गोद में बैठते हैं और यहाँ पर ऋषि मुनियों को आप ज्ञान की बात बता रहे हो और ज्ञान की बात बताते हुए पत्नी को भरी सभा में आत्मा अपना गोद में लेकर बैठे हो, ये कैसे व्यवहार है तुम्हारी? जब इतना बोले वहाँ पर माता पार्वती बैठी हुई थी, इसलिए पार्वती कौन है? शंकर जी की परम भक्त है। इसलिए शास्त्र में नियम बताया अगर कहीं वैष्णव का कहीं निंदा हो रही है, कोई साधु निंदा कर रहे हैं, कभी भी नहीं सुननी चाहिए, नहीं, बहुत बड़ा पाप। कहते इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए 10 तरह का जो वैष्णव नामापराध में पहला जो अपराध है ये वैष्णव निंदा है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं तीसरा जो अपराध है गुरु अवज्ञा। जगत में मूल श्री गुरु जी, अरे ये पहले ये गुरु अवज्ञा क्यों नहीं बताए? ये पहले ये वैष्णव अपराध क्यों बताए? गुरु
ज्ञान रहता है। गुरु को क्या समझते हैं, नहीं हमारे गुरुदेव है, इसलिए इनकी कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए, हमारे गुरुदेव है। गुरु में गौरव बुद्धि रहता है, लेकिन जो वैष्णव में है ना, कभी कभी हमारी पूज्य बुद्धि नहीं रहती। हाय ऐसे ही होते हैं सब, हाँ सब ऐसे ही होते हैं, इसलिए वैष्णव के प्रति हमारी कभी कभी आदर नहीं रहता है, वैष्णव को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन गुरु जी को नहीं, हमारे गुरुदेव है, गुरु जी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन हमारे श्री भक्तवत्सल नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे कि गुरु और जो वैष्णव है वो अलग नहीं, वो एक ही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, बोले शिक्षा गुरु के तेजानी कृष्ण है स्वरूप, और दीक्षा गुरु के तेजानी है कृष्ण है रूप। कहते एक रूप और एक स्वरूप, कहते ये रूप स्वरूप में कोई भेद नहीं, केवल नाम ही एक, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। एक उदाहरण गुरुदेव देते थे, जैसे आपका गुरुदेव कौन है, श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, मेरे लिए वो क्या लगते हैं, बोले वैष्णव। लेकिन मेरे गुरुदेव कौन है, नित्यलीला ब्रह्मेश श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज। अभी आपके लिए मेरे गुरुदेव क्या लगते हैं, बोले वैष्णव है। आपके लिए मेरे गुरुदेव वैष्णव, आप लोगों के लिए आपका गुरुदेव गुरुदेव, आपका गुरुदेव मेरे लिए वैष्णव, लेकिन तुम लोगों के लिए गुरुदेव, अरे मेरे लिए वैष्णव है। अभी मेरे गुरु और तुम्हारी गुरु, तुम्हारे लिए तुम्हारी गुरुदेव तो गुरुदेव, और मेरे लिए मेरे गुरुदेव क्या गुरुदेव नहीं है ना, क्या मेरे लिए ही मेरे गुरुदेव गुरुदेव और तुम्हारे लिए गुरुदेव गुरुदेव नहीं, नहीं एक ही है, हैं? इसलिए मेरे गुरुदेव मेरे लिए गुरुदेव, आपके लिए वैष्णव, आपका गुरुदेव आपके लिए गुरुदेव, मेरे लिए वैष्णव, तो दोनों गुरु एक ही हुए, दोनों गुरु एक हुए हैं। इसलिए कहते जो वैष्णव अपराध, सबसे पहले वैष्णव अपराध दिया, खबरदार कभी वैष्णव का निंदा नहीं सुननी चाहिए, वैष्णव की कभी समालोचना नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अभी पार्वती शंकर जी कौन, वैष्णवा नाम जथा संभो, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। पार्वती जब सुनी, बोले मेरे सामने मेरे प्रभु की, और इतने बड़े सत्यम शिवम सुंदरम, जो शंकर जी जो देव देव महादेव योगी योगी महादेव, और इतने बड़े वैष्णव है, हैं, और मेरे सामने मेरे प्रभु की और वैष्णव निंदा, पार्वती सहन नहीं की, प्रभु जी बड़ा क्रोध आ गया, बोले मेरे सामने मेरे प्रभु की निंदा, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे, कथा सुन रहे हैं, और तुम क्या कौन होते हो जो कि मेरे प्रभु जी को ऐसे बोल रहे हो, बोले जाओ हम तुम्हें अभिशाप देते हैं, क्या हो, बोले अभिशाप देते हैं जा करके तुम राक्षस जन्म में चले जाओ, उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया, अभिशाप दे दिया। बोले क्यों, बोले कारण है कभी भी वैष्णव निंदा नहीं सुननी चाहिए, अगर वैष्णव का निंदा सुनकर हम चुप रहते हैं, शास्त्र में बताया अगर कोई वैष्णव का निंदा करते हैं उसका जीवा काट दो, इतना बड़ा कठोर दंड दिया, बोले उसका जीवा काट दो, नहीं तो जाकर के वस्त्र का समेत गंगा में जाकर के नहा करके आओ, तभी तुम्हारी पाप से मुक्ति होगी। मतलब इतनी गड़बड़ी है किसी वैष्णव के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ऐसे ऐसे नहीं, कभी नहीं सुननी चाहिए, कभी नहीं। इसलिए यहाँ पार्वती सहन नहीं किया, अभिशाप दे दिया, राक्षस से जन्म में तू चले जा, हाँ राक्षस से जन्म में, इसलिए उन्होंने राक्षस से जन्म में गए। लेकिन इन्होंने जो शंकर जी का प्रति जो की थी वो उन्होंने ईर्षा पूर्वक नहीं किया था, समझ रहे, उन्होंने ईर्षा पूर्वक नहीं, चूंकि गुरु भाई लगते हैं साधारण लोग शंकर जी के चरण में अपराध नहीं कर बैठे, नहीं शंकर जी को साधारण नहीं समझे, इसलिए गुरु भाई होने का नाते गौरव बुद्धि से किया। लेकिन पार्वती ये चीज को समझ नहीं पाई, उन्होंने अभिशाप दे दिया। लेकिन परम भक्त है चित्रकेतु महाराज, परम भक्त है, वो उल्टा अभिशाप दे सकते थे, नहीं दिया, माता का आशीर्वाद मान करके उन्होंने ग्रहण कर लिया। बोले माता जी मेरे को इतना आशीर्वाद दो। बोले क्या है, बोले भले ही हम किसी जीवन में क्यों नहीं जाए, लेकिन हमारी भक्ति नष्ट नहीं हो, भगवान के चरण में हमारे प्रेम और भक्ति बने रहे, यही हमें आशीर्वाद दो। तो जब ये बात वो बोले ना, शंकर जी ने पार्वती को बोले, देखो पार्वती तुमने देखा, तुमने तो उनको अभिशाप दे दिया, लेकिन वो मेरे गुरु भाई है ना, कोई ईर्षा से नहीं ठिठोली कर रहे थे,
तुम ये चीज नहीं समझी, तुमने अपराध कर दिया, तुमने उनको अभिशाप दे दिया, नहीं देना चाहिए था, लेकिन चूंकि मेरे गुरु भाई है ना, मेरे गुरु भाई अगर वो उल्टा अभिशाप देते हैं ना, मैं रक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन उनने सर झुका करके उन्होंने अभिशाप को ग्रहण कर लिया, इसलिए दूसरे जीवन में ये बित्रासुर बन कर गया। लेकिन जब इंद्र को साथ में इनकी युद्ध हो रही थी, भरी युद्ध में उन्होंने भगवान को स्तुति किया। तो यहाँ प्रश्न होता है, जब कोई युद्ध होता है ना, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उसमें एक चीज रह जाते है, मरना नहीं तो मारना, मरना नहीं तो मारना। लेकिन ये युद्धों का बीच में फिर उन्होंने भगवान को इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने स्तुति कैसे की, यहाँ प्रश्न होता है। तो यहाँ पर बोले देखो, जो भक्ति है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। इसी जीवन में हम जो भक्ति करते हैं, अगले जीवन में नष्ट नहीं होगा। इसलिए मीरा कहती है, देना देना बड़ा तो सब आयो पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है ये भक्ति कभी घटती नहीं, बोले दीन दीन बरात सवाए, दिन प्रतिदिन ये बढ़कर के प्रकट होती है। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, इसी जीवन में अगर हमने भजन की, अगले जीवन में उसकी ब्याज समेत इंटरेस्ट को साथ में अगले जीवन में तो मिलेगा, घटेगा नहीं। लेकिन एक जगह पर घट जाती है, जहाँ कहीं वैष्णव अपराध होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, भैया भक्ति काम हो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी वैष्णव की निंदा मत करो और वैष्णव का निंदा मत सुना करो, हैं, नहीं तो तुम्हारी भक्ति घट जाएगी। केवल एक स्थिति में भक्ति घटेगी, केवल इसी स्थिति में भक्ति नष्ट हो जाती है, पर हृदय सुखा हो जाएगी, भगवान की भजन करने की इच्छा नहीं करेगी, माला जप करने की इच्छा नहीं करेगी, भगवान के भजन करने में इच्छा एकदम हृदय सूख जाएगी, अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध कर दो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना माँ सच्ची मैया को भी माफ नहीं किया, बोले नहीं तुमने अपराध किया, तेरे को मैं प्रेम नहीं दूंगा। महाप्रभु का समय पर एक गोपाल चापल था जो शिवास जी का निंदा करता था, उसको तो कुष्ठ व्याधि हो गया, लेप्रसी हो गया, उसको बड़ा कष्ट उठाया उसने, महाप्रभु के चरण में माफी मांगी। महाप्रभु बोले देखो तुमने मेरे चरण में नहीं, तुमने शिवास पंत के चरण में अपराध किया, वहीं आकर के माफी मांगा करो, हैं। और महाप्रभु कहते हैं, भक्ति लता वैष्णव अपराध से वो जड़ समेत उखड़ जाती है, हैं? जैसे कोई पेड़ अगर ऊपर से काट दोगे ना, उसमें शाखा होगी, अगर उसको एकदम जड़ से अगर उखाड़ दोगे, बोले गया खत्म हो गए। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर रूप गोस्वामी को कहते हैं, जो वैष्णव अपराध ऐसे एक गंदी चीज है, भक्ति को जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देती है, और भक्ति भक्ति करने के कोई चांस नहीं रहते, इतने खतरा है। इसलिए यहाँ पर है कहते, यहाँ पर उन्होंने भरी युद्ध में उन्होंने भगवान को स्तुति कर रहे थे। बोले क्यों स्तुति कर रहे थे, चूंकि पहले जीवन में उन्होंने जो भजन किया, जो भक्ति किया है, इसलिए पहले जीवन में उन्होंने जो भक्ति किया है, वो भक्ति अगले जीवन में राक्षस जन्म में जाने पर भी उनकी भक्ति घटी नहीं, उनकी भक्ति बनी रही, उनकी भक्ति बनी रही भक्ति। इसलिए उन्होंने जो स्तुति किया है, बहुत अच्छी स्तुति किया। कोशिश करेंगे एक दो श्लोक सुनने के लिए। इनका जो पहला श्लोक है, बोले अहम हरितव पादई कमूलम दासानुदास भवितास्मि भुवा मने स्मरितार सुपते गुणस्ते गृणीत बाक कर्म करतु काया। पहला श्लोक में क्या कहते, बोले हे प्रभु अहम हरे हे तब पादई कमूलम दासानुदास भवितास्मि, बोले हे प्रभु मैं चाहता हूँ आपकी दासों का दास नहीं बन जाओ। बोले क्यों, ऐसे क्यों मांग रहे, प्रभु का दास नहीं बन करके बोले दासों का दास बन जाए क्यों, कारण किया। बोले जो दासों का जो दास होता है ना, वो सबसे ज्यादा सौभाग्यवान होते हैं, हैं? जो दास जितने सौभाग्यवान, उनको जो दास उससे ज्यादा सौभाग्यवान, उनका जो दास उससे ज्यादा सौभाग्यवान। जैसे उदाहरण देते हैं, बोले सुख मुखात अमृत द्रव संजीत,
बोले भागवत तो मीठा मीठा ही था, लेकिन वो जो भागवत जब श्री सुखदेव गोस्वामी मुखारविंद से निकली है ना, कहते उसमें और भी ज्यादा आनंद आ गया। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, कहते पहले हैं, कहते जो कृष्ण भक्ति है, अभी कृष्ण भक्ति रस को कौन आस्वादन करती है पूर्ण रूप में? बोले श्री राधा रानी। जैसे कृष्ण सबसे पहले कृष्ण प्रसाद भाई, जब कृष्ण प्रसाद भाई उनको प्रसाद को कौन पाती? बोले राधा रानी। अभी उसमें जो प्रसाद में पहले तो कृष्ण प्रसाद पाए, लेकिन जब राधा रानी प्रसाद पाए ना, उसमें राधा रानी का अधामृत आ गया। बोले वो प्रसाद को कौन फेर पाती है? बोले ललिता चंपक लता तुंग विद्या विशाखा ये सब प्रसाद पाते। फिर वो प्रसाद में क्या हुआ? कहते इनका भी अधरामृत लग गया। फिर उसको बाद में कौन पाते हैं? बोले रूप मंजरी लवंग मंजरी अनंग मंजरी ये सब पाते हैं। फिर वो प्रसाद में क्या हो गया? इनका भी प्रसाद लग गया। फिर उसको बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर के पास में आए हैं कमल मंजरी वो भी खाए, तो इनका प्रसाद उसमें आ गया। उसको बाद में वो प्रसाद को फिर प्रभुपाद ने पाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, वो प्रसाद में क्या आ गया? फिर इनकी प्रसाद आ गया। फिर उसको बाद में कौन पाए? बोले श्री विनोद मंजरी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज पाए। फिर वो प्रसाद में इनकी भी प्रसाद आ गया। फिर उसको बाद में कौन पाए? बोले हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज रमणी मंजरी, फिर इनका भी प्रसाद आ गया। सबका प्रसाद जितने उसको आ रहे ना, कहते उसमें सबका प्रसाद मिलता मिलता आ रहे, लेकिन लास्ट में जो आया। इसलिए हम लोग जगत में सबसे ज्यादा सौभाग्यवान, हम ही सबसे ज्यादा सौभाग्यवान है। इसलिए कहते जितने, इसलिए कहते केवल आपका दास नहीं, हम तो आपका दासों का दासों का दासों का हम दास बनना चाहते हैं, क्योंकि जितना छोटा बनू उतना सौभाग्यवान। जैसे देखो जैसे ये बच्चा तुम्हारे है, देखना ये अपना खाने के लिए, अपना पहनने के लिए, अपना सोने के लिए कोई चिंता नहीं करता, उसका चिंता किस कौन करता है? तुम लोग करते हैं। ये तो मस्ता होकर खाता है, खेलता है, कूदता है, हाँ ये घूमता है, लेकिन जितना सारे चेष्टा तुम कर रहे हो, ये तो एकदम मस्त में आनंद है। क्यों? ये जानता है मेरी मैया है, मेरे पिताजी है, ये सब कुछ दायित्व इनके ऊपर है, हमारे घर में कोई दायित्व नहीं। इसलिए सिखा देते हैं ये, वो भक्ति जितने नीचे आएगा ना उसका रस ज्यादा आता है, हाँ जितने नीचे आएगा उसका रस ज्यादा नीचे आएगा, तो उसमें ज्यादा स्वाद आएगा। इसलिए कहते हैं प्रभु मैं आपका दासों का दासों का दासों का दास। इसलिए कहता है भृत्य तो भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य, कहते हैं आपका नौकर का नौकर का नौकर का नौकर हम बनना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा नीचे आने पर ज्यादा लाभ है, हाँ? इसलिए कहते इसलिए महाप्रभु कलयुग में आखिर के उन्होंने जीव जगत को क्या दिया है? बोले स्व भक्ति श्रियम, कहते अपना भक्ति का जो सौंदर्यता को प्रदान किया है, कहते वो ये चीज क्या है? कहते भगवान की जो दासी है, हैं? राधा रानी की जो दासी भाव को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए जो सबसे नीचे रहता है ना, कि सबका सेवा करने का सुयोग उनको मिलता है। इसलिए जो मंजरियां छोटी छोटी होती हैं, लेकिन सबके सेवा ये मंजरियों को सबका सेवा इनकी सौभाग्य में प्राप्त होता है। और वो चीज जितना नीचे आता है उतना, जैसे राधा कृष्ण को कृष्ण की भक्ति राधा रानी करती है, ये राधा रानी करने का नाते अभी कृष्ण के अंदर में जो रस राधा जी के अंदर में है, अभी इनकी सेवा कौन करती? ललिता विशाखा सखियां, भले इनके अंदर में क्या है? राधा कृष्ण का सर रस इनके पास में, रूप मंजरी आई, फिर इनकी सेवा का सबके सेवा रूप मंजरी करती है। इनकी सेवा कौन करती है? उनको जो नीचे सखियां रहती है, उनको नीचे जो मंजरी जो सबसे जो नीचे रहती है, ये सबका सेवा उनको मिलता है। और सेवा में ज्यादा आनंद है, सेवा में ज्यादा आनंद ये सेवा में ही है। जैसे तुम्हारे घर में तुम किसको निमंत्रण दिया और तुमने एकदम सवेर से लेकर रात तक बढ़िया बढ़िया तुमने खाना बनाया, बढ़िया बढ़िया तुमने खाना बनाया, अभी क्या हुआ? जब ठाकुर को भोग लगाया, जब तुमने खाना खिलाया ना, वो अंगुली को चाट चाट कर खाए, चाट चाट कर खाए, बोले तुमने क्या खाना बनाया, कितने सुंदर तुमने खाना बनाया आज, लगता है अंगुली काट कर खा जाए, हैं? अगर खुश होकर बोल दिए ना आपने जो बनाया ना, इतना आनंद मिलेगा, बोले बाबा रे हमारे बनाने का हमारी सार्थकता हो गया, बड़े खुश हो जाओगे, क्या बनाया हमने प्रसाद क्या बनाया। इसलिए कहते उसी तरह जो सेवा में ज्यादा आनंद सेवा में ही है। इसलिए कहते हे प्रभु
मैं आपका चरणों की जो दास है उनकी दासों का दास हम बनना चाहते हैं। दासानुदास भविताभिसुखो, बोले दासों के दास बनकर करोड़ किया, करोड़ किया। कहते हैं बोले मनस मरितार सुपतेर गुणस्ते घृणित बाक कर्म करतु काया। कहते अपना मन में हर समय में आपकी चरण की चिंतन करो, ये शरीर से आपकी सेवा करो, है घृणित बाक कर्म करतु काया, ये शरीर से आंखों से आपका सुंदर रूपों के दर्शन करो, कानों से सुंदर तुम्हारी कथा सुनो, हाथों से तुम्हारी चरण की सेवा करे, चरण से तुम्हारी मंदिर की परिक्रमा करे, मन से तुम्हारी कथा सुने, हैं संपूर्ण ये शरीर से तुम्हारी सेवा में ही अपना मन को तुम्हारी सेवा में लगा दो, ये आशीर्वाद करो। कहते ये निका प्रथम श्लोक है। बड़े दूसरा श्लोक है, जब उन्होंने बोला आपकी चरण की सेवा चाहते हैं, भगवान का भाव अरे मेरी चरण की सेवा चाहते, बोले हाँ ठीक है, मैं तेरे को क्या चाहते बताओ, क्या चाहिए तुम, जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगा। बोले स्वर्ग जाइए, स्वर्ग जाना चाहते, बोले न नाग प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि पुनर्भवम वा विरही विरह कांखे। बोले हे प्रभु, कहते स्वर्ग जाना चाहते, बोले नहीं नहीं हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, हम तो स्वर्ग में कितना आनंद है, कहते पृथ्वी में जितना आनंद है ना उससे 100 गुण ज्यादा आनंद है स्वर्ग लोक में, स्वर्ग नहीं चाहिए, वहां पर रेम भाव मेनका और उर्वशी कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां पारिजात पुष्प नंदन कानन, वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होते, कोई बूढ़ी नहीं होते, हैं वहां पर आनंद ही आनंद। बोले नहीं चाहिए, बोले नहीं चाहिए, बोले ठीक है अगर नहीं चाहते हो ना, उससे ब्रह्मांड का सबसे जो ऊंचा पद है मोह मोह जन तपस सत्य लोग, कहते सत्य लोग का तुमको ब्रह्मा बना लेते, जा ब्रह्मा बन जा। परमेष्टि पद लेना चाहते हो, बोले नहीं प्रभु परमेष्टि पद नहीं चाहिए, बोले परमेष्टि पद नहीं चाहिए नहीं, बोले जानते हो कितना आनंद है, बोले स्वर्ग लोक में जितना आनंद है ना उसका मोह लोक में उससे 100 गुण ज्यादा आनंद है, और मोह लोक में जितना आनंद है उसके तप लोक में उससे और 100 गुण ज्यादा आनंद है, उससे 100 गुण आनंद है सप्त लोक में, आनंद ही आनंद है, तो वो आनंद नहीं चाहिए। बोले नहीं वो आनंद नहीं चाहिए प्रभु, बोले अगर वहां नहीं चाहते हो फिर रा पुनर्भवम्बा, मतलब जहां जाने से फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा, मुक्ति मुक्ति धाम, बोले मुक्ति धाम में जाना चाहते हो, बोले नहीं प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए जहाँ जन्म नहीं जहाँ पर मृत्यु नहीं जरा व्याधि है इस पूर्ण रूप में है, इसलिए ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचंती न काक्षति, इसलिए जो ब्रह्म में जो डूब जाते हैं उनका कोई चिंता नहीं, कोई न सोचती न काक्षति सम सर्वत्र भूते सुख मत भक्ति लवे बरा, इसलिए सब में बराबर दर्शन करते हैं जन्म मृत्यु से कोई ये नहीं चाहिए। बोले नहीं प्रभु हमें वो नहीं चाहिए, है फिर तुमको क्या चाहिए, बोले रसाधिपत्यम उससे भी ज्यादा आनंद रसातल लोक में, है नीचे लोक में रसातल लोक में ज्यादा आनंद है जहाँ प्रहलाद महाराज को जहाँ पर स्थान दिया है, इसलिए बलि महाराज को जहाँ पर स्थान दिया, बोले वहां चाहिए, बोले प्रभु वहां भी नहीं चाहिए, बोले बोले तुमको चाहिए क्या, बोले प्रभु विरह कांखे, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी विरह में तुम्हारी चिंता में ये मन प्राण चित्तों को तुम्हारी चिंता में संपूर्ण तुम्हारी चिंता में डुबा दूं, मेरा मन हर समय तुम्हारी चिंता में डूबे रहे, इसलिए उन्होंने विरह की प्रार्थना किया है, विरह की प्रार्थना किया। क्योंकि विरह में क्या होता है, जो मिलन में सामने सामने केवल मिलते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है संपूर्ण उनको चिंता में डूब जाती है, और जहाँ नेत्र पड़ता है जहाँ आंख पड़े सर्वत्र वही 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 दिखता है, केवल सर्वत्र वही वही उसका ही स्मरण होता है, जैसे घर में पति है जब इच्छा मिल लेते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर रहते हैं 6 महीना 1 साल में कहीं आते हैं ना, मन दिन भर चिंता करते हैं कब आएंगे, अभी तक भी नहीं आए, अभी तो कोई फोन नहीं आया, लेटर नहीं आया, कब आएंगे कब आएंगे, इसलिए कब जब कोई वस्तु दूर में रहता है ना हम उसको चिंतन करते 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 उसमें
हम डूब जाते। बोले प्रभु आपका चिंतन करते करते मेरा मन संपूर्ण आप में ही डूबा रहे, हमें ये चाहिए। जब उन्होंने ये बताए तब भगवान ने कहा बताओ तुम जो विरह तुमने प्रार्थना किया, तीन तरह का विरह है, तीन तरह का विरह है, कौन सा विरह तुम्हें चाहिए। तो उन्होंने तीन उदाहरण दिया, बोले अजात पक्ष इव मातरम खगा। पहला उदाहरण दिया जैसे एक चिड़िया ने अभी अपना घोंसला में अंडा अभी अभी फूटा है, अभी उसमें एक छोटा बच्चा निकला है जिसका जिसके अभी पंख नहीं उगा है, हैं? अभी उसको अच्छे तरह से पंख नहीं उगा, अभी अच्छे तरह से वो उड़ नहीं पाता है। मैया कभी कभी क्या करती हैं, वो बच्चे को घोंसले में छोड़ करके वो दाना चुगने के लिए बाहर चली जाती है। जब चली जाती है ना जो छोटा बच्चा रहता है वो डरता हुआ रहता है। बोले क्यों, कभी कभी क्या होता है ना बीवी आकर खा जाता है, नहीं तो जो बाज पक्षी होता है ना चील होता है, हैं? जो गिर्द होता है चील आकर उसको कभी खा लेता है, इसलिए वो चिड़िया डरता हुआ रहता है, चिड़िया डरता हुआ रहता है, हैं? और बड़े भूख लगता है, अगर कहीं थोड़ी सी पत्तों की थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी खड़का आवाज हो जाए ना वो चुप चुप करके से देखने लग जाता है, चलो मैया आ गई, सर मेरे मैया आ गई, हाँ ऐसे ऐसे से देखने लग जाता है। इसलिए कहते हे प्रभु मेरे को ऐसे जैसे वो बच्चा चिड़िया जिसकी पंख नहीं उगा, जैसे दिन रात अपने माँ 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 की चिंता में डूबा रहता है, हाँ माँ कब आकर मेरे को खिलाएगी, फिर जब माँ आ जाती है ना, हाँ जब उसको खाना खिला करके माँ की गोद में सो जाता हूँ फिर कुछ चिंता नहीं, उसको बताए ना माँ की गोद में सो रहा हूँ, कोई भी आएगा भैया हमें रखा कर, माँ की गोद में जो बच्चा सो जाए वो निश्चिंत होकर सोता है, क्यों माँ तो मेरे को रक्षा करने वाली, माँ माँ की गोद में सो रहा हूँ, फिर तो फिर मैया की चिंता नहीं, फिर अच्छे तरह सो जाता है। तब उन्होंने पहले ये प्रार्थना की, जब प्रार्थना की फिर उनको ये लगा इसमें भी कुछ दोष है। बोले क्या दोष है, बोले बच्चा क्यों माँ 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 मा करता है, किस लिए भैया, बोले माँ आ जाएगा तो मेरे कोई कुछ करेगा नहीं, माँ मेरे को रक्षा करेगी, माँ मेरे को खाना खिलाएगी, हैं खाना खिलाएगी, इसलिए मैं माँ को चिंतन करता हूँ। बोले उसमें स्वार्थ है, भक्ति जो चीज है ना, भक्ति का जो डेफिनेशन है दिया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरूपा। जो उत्तम भक्ति का जो डेफिनेशन है दिया, कोई मन में कोई अभिलाषा नहीं रहे, ज्ञान कर्म से ढका नहीं हो, जो काम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, जिसमें ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं वही काम करने चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात् भक्ति आयुधकितोहि। जन्म जन्मांतर तुम्हारे चरण में हमारी निष्काम भक्ति तुम्हारी चरण में, इसको भक्ति का डिविजन बताया है। अहेतु की अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। भक्ति में कोई कामना वासना नहीं रहता है, हैं? कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, निरंतर जब मैं कंटिन्यू ठाकुर का सेवा होनी चाहिए, जो काम करने से भगवान प्रसन्न हो वही काम, उसको भक्ति कहते हैं। यहाँ पर तो केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है, हैं? इसलिए भगवान को हम बुला रहे, ठाकुर जी आ जाओ हम खिला दो आपका गोद में सो जाओ, लेकिन ठाकुर को सेवा ही नहीं, ठाकुर से को लो 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 ठाकुर को नौकर बना देना, हैं? उन्होंने देखा इसमें दोष है। फिर दूसरा उदाहरण दिया, बल्ले बत्सरा खुदार था। दूसरा उदाहरण दिया, पहले क्या होता था, तुम लोग सुरिनाम में रहे होंगे ना, इसलिए सुरिनाम में रहे होंगे, देख लेना जैसे बछड़ा क्या करता है, वो घर में रख करके बछड़े को जो माँ वो चली जाती हैं बाहर घास खाने के लिए, ये माँ चली जाती है, जब चली जाती फिर अब लोग सुरिनाम में गया चराया कभी, छोटी थी इसलिए देखना जैसे बछड़े को घर में रख करके ना गैया क्या करता चले जाता है घास खाने के लिए, फिर वो शाम को आता है माँ, गैया शाम को आता है घर में बछड़े को रख करके चले जाता है, जब चले जाता है माँ सबेरे दूध पी लिया बछड़ा, लेकिन उसको तो भूख लग जाती है, फिर भूख लग जाती है, फिर उसको माँ शाम को आता है, फिर बछड़ा है ना
जितना जब शाम होने का समय आता है उस समय बछड़ा बोलता है हम्बा, बछड़े को आवाज सुनाएंगे ना हम्बा हम्बा हम्मा ओ माँ ओ माँ माँ चित्कार करते रहते हैं। बोले क्यों? बोले मैया आएगी तो हमें दूध पिलाएगी, मैया आकर के हमें दूध पिलाएगी। जितना शाम होता है ना हम्बा 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 ऐसे बोलता रहता है। इसलिए मैया आ जा, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दूध पिला जा, मेरे को दूध पिला जा। खैर जब शाम को गैया आ जाता है ना, बछड़ा जब अपना माँ को देखता है, अब देखना अब लोग तो कभी गैया चराए नहीं, बछड़े को जो रस्सी को भी तुम खोल नहीं सकते, कितना बछड़ा तेजी से मैया का दूध पीने के लिए भागता है, आप उसकी रस्सी तक भी खोल नहीं सकते, इतनी उत्कंठा। जब रस्सी को खोल देते है ना, फिर बछड़ा जाकर के मैया के स्तन को, पहले मैया ऐसे स्तन नहीं देती है, नहीं, फिर बछड़ा तो जाएगा, फिर अपना थन में ऐसे सर को मारेगा बछड़ा, फिर बछड़ा फिर पूछ खड़े कर देगा, फिर मैया उसको चाटने लग जाएगी, फिर बछड़े को देख करके माँ के हृदय में भावना आती है, है प्रेम आती है, मेरे बछड़े हैं। जब प्रेम आती है ना, फिर उसका स्तन से दूध उतरता, नहीं तो दूध नहीं उतरेगा, इसका एक नियम है। इसलिए देख करके उसका स्तन से जब दूध उतरने लग जाए, फिर क्या होता है, फिर बछड़ा दूध पी लेता है, बछड़ा दूध पी करके फिर खुश हो जाता है, खुश होकर के ना फिर मैया की चिंता नहीं, फिर बछड़ा फुदकने लग जाएगा, वो घूमने लग जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा फुदकेगा। तब उन्होंने ये प्रार्थना की, प्रार्थना करके फिर वित्रासुर सोच रहे है, बोले ये चिड़िया से भी तो श्रेष्ठ है। कारण क्या? बोले कारण है कि तुम वहां जो खाना था अलग और माँ था अलग, मैया ने मुंह से खाना लेकर के आकर के उन्हें किसको देता है, अपना बच्चे को देता है, जैसे कीड़े मकोड़े ला करके बच्चे को देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बोले यहाँ पर ये है, ये दूध कोई अलग नहीं, जब बछड़े को मैया देखे तभी इसका प्रेम से इनकी शरीर के द्रवीभूत होकर के इनके हृदय से उस दूध निकलती है। इसलिए दूध कोई अलग नहीं, माँ की प्रेम ही ये एक दूध रूप में प्रकट होता है। इसलिए मैया से अलग दूध नहीं, वो एक ही वस्तु है। इसलिए कहते उससे श्रेष्ठ ये है, ये जो बछड़ा का जो स्वभाव है, हाँ, सिर्फ बछड़ा का स्वभाव है। लेकिन उन्होंने देखा इसमें दोष क्या है, तब तक हम्बा 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 करेगा जब तक मैया दूध नहीं पिला, पर दूध पिला देना, पर बछड़ा नहीं सोचता है, पर बछड़ा खेलने कूदने लग जाए। बोल क्या इसका मतलब है, तब तक तुम भगवान को बुलाओगे जब तक भगवान तुमको दूध नहीं पिला देते, तब तक भगवान को बुलाओगे, जब भगवान दूध पिला दिया खाना खिला दिया, फिर भगवान चिंता नहीं, फिर खेलते कूदने लगा। बोल इसमें भी स्वार्थ है, इसमें भी स्वार्थ है, इसलिए भी कोई सेवा की भावना नहीं है, है? सेवा की भावना नहीं। इसलिए उन्होंने ये चीज को फिर तीसरा उदाहरण दिया, बोले प्रियांग प्रिय व विशतांग विसरना। कहते जैसे एक पतिव्रता नारी, पतिव्रता स्त्री अपना पति की जैसे सेवा करती है, है? जैसे अभी तो धीरे 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 कल्चर सब खराब होते जा रही, जो पहले जो हमारी जो कल्चर था उस समय में, है? कहते एक समय दो पति पत्नी रहते थे, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो पत्नी पति को अपना परमात्मा मानता, पति हमारा सब कुछ है, और पति भी जानता है पत्नी के सिवाय और मेरे कोई है ही नहीं, है? दोनों का एक प्रेम एक तरफ का नहीं होता, प्रेम दोनों तरफ सा होता है। पत्नी भी सोचती है ये पति ही मेरे परमात्मा, पति जानता है ये मेरी आश्रय में है, इसकी जीवन इसका साड़ी कपड़ा लता इसका जीवन का दायित्व मेरे ऊपर नहीं सौंपा, वो मानता था मेरी है ये और किसके है नहीं, और मेरी इसको जीवन संपूर्ण रूप में मेरे ऊपर निर्भर करता है, है? इसलिए केवल एक तरफ से नहीं, एक ही सोचे नहीं, दोनों तरफ से होता है, है? इसलिए अभी दोनों पति पत्नी रहते थे, अभी पति को कहीं विशेष काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उसने पत्नी से बोला देखो मेरे को 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, कोई जरूरी काम पड़ गया। पत्नी कहती है आप जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी, मैं अकेली क्या करूंगी, बोले मेरे को जाना पड़ेगा। तब पत्नी कहती देखो मैं जो खाना बनाती हूँ किसके लिए बनाती हूँ, तेरे लिए खाना बनाती हूँ।
जो घर साफ करते हैं तेरे लिए, जो बिस्तर जो सजाते हैं किसके लिए, तेरे लिए, जो श्रृंगार करते हो किसके लिए, तेरे लिए, जब तुम चले जाओगे घर में किसके लिए करो। बोले नहीं, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा 10 दिन के लिए। पहले तो इतने लिखी पढ़ी नहीं होती थी, अनपढ़ होते थे, स्त्रियां पहले बाहर नहीं जाती थी, कोई स्त्रियां घर का काम करता था, पुरुष क्या होता था, सारे बाहर का काम पुरुष करता था, घर का काम स्त्री करती थी। इसलिए कहते मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं 10 दिन कितना होता है, कैसे पता चलेगा तू 10 दिन बाद में आओ। तो देखो ये जो दीवार में ना मैं 10 लाइन काट देता हूँ, 10, जब एक दिन ही जाएगा एक लाइन को मिटा देना, जब 2 दिन ही जाएगा 2 लाइन को मिटा देना, जब 3 दिन ही जाएगा 3 लाइन को मिटा देना, जब 1 लाइन ही रह जाएगा ना पता चलेगा कल आएंगे। हाँ कल आएंगे, एक दिन जब लाइन ही रह जाए। अभी उसने बाहर चले गए, जब चले गए वो पत्नी ने जितना सुंदर पहले पहले माताएं सुंदर शरीर को अलंकार से श्रृंगार कर, जब पति चले गए उसने सारे श्रृंगार उतार कर रख दिया। किसके लिए श्रृंगार को, पति तो है नहीं, किसके लिए श्रृंगार, सारे श्रृंगार को उतार कर रख दिया। अभी घर को साफ भी नहीं करती, बोले साफ किस लिए करे, जब बेड सजाती थी बोले किसके लिए करे, खाना भी ठीक से नहीं बनाती बोले क्यों, खाना तो पति के लिए नहीं बनाती, लेकिन वो तो है ही नहीं, किसके लिए बनाए। इसलिए अभी उन्होंने किसी तरह से थोड़ी सी खाना बना करके खाल पेट भर लेती है, और एक दिन जाने पर एक लाइन मिटा देती है, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, जब उन्हें जितना लाइन कम होते जा रही ना उसकी मन में उत्कंठा, हाँ और 5 दिन रह गया, ओ और 4 दिन रह गया, ओ अभी 3 दिन रह गया, अभी 2 दिन, बोले ओ कल आने वाले, हाँ कल आने वाले। अभी उसने रात भर सोई नहीं, कल आएंगे, इसलिए उनको पता है उनको क्या अच्छा चीज लगता है, हैं क्या चीज अच्छा लिखते हैं। रात भर सुंदर सुंदर ने रसोई बना रही, पिज्जा पास्ता टफो सोयाबीन और बढ़िया बढ़िया उन्होंने खाना बना रही, सुंदर रात रात भर उनके लिए खाना बना रही, और एकदम सवेरे होते ही खाना बना करके और बड़े सुंदर पानी गर्म करके रख करके, बस उसने आज 10 दिन से श्रृंगार नहीं की, आज बड़े सुंदर श्रृंगार की, श्रृंगार करके घर को बाहर बैठी हुई उनका राह देख रही, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। जब उन्होंने पति आए इतने प्रसन्न हो गई, पति आते ही उनका चरणन हुई है, उनका चरणामृत लिया और उनको घर में बैठाया, स्नान कराया गर्म पानी में, और पास में बैठा करके जो चीज उनको अच्छा लगता है, उनको पता है ना ये चीज बड़े प्रेम से खाते हैं, वो चीज उनको देती रही, पास में बैठा करके पंखा जुटाई और एक भी चीज खिलाती। कहते हे प्रभु, जैसे एक पति व्रता नारी पति के लिए अपना जीवन सर्वस्व दे करके सेवा करती है, ऐसे ही आपकी चरण के चिंतन आपकी संपूर्ण सेवा में, जैसे पत्नी जो कुछ करती है वो पति के लिए ही करती है, ऐसे जीवन में मैं जो कुछ करूँ मैं तुम्हारा लिए ही सब कुछ करूँ, तुम्हारी चिंतन तुम्हारी श्रृंगार तुम्हारी सब कुछ सेवा सब कुछ तन मन हर तरह से तुम्हारी सेवा करूँ। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया ना प्रिया प्रिय विस्तार विसरना, बोले यहाँ पति पत्नी को उदाहरण दे दिया, चले प्रिया प्रियतम का उदाहरण दिया, मतलब क्या है, बोले गोपी और कृष्ण का उदाहरण दिया, क्योंकि जो गोपी जो जग हमारे इस जगत में जो पति पत्नी है, पत्नी को ये पता है पति ही मेरा जीवन का सर्वस्व है, और पति सब कुछ कमा करके लाएगी, मेरे साड़ी कपड़ा लता खाना पीना जितने क्रीम साबुन जो कुछ को पति मेरे सब कुछ देगा, और पति ऊपर निर्भर करती है। लेकिन प्रिया प्रियतम में क्या होता है, प्रेमिक प्रेमिका और प्रेम, जैसे कभी कभी गोपियां कहते हैं ना नखल दासिका नंदन भगवान, बोले हे श्याम सुंदर आप तो हमें कुछ खिलाते नहीं, मैं अपना हाथ से हम खाती हूँ, अपना हाथ से श्रृंगार करती हूँ, अपना हाथ से पहनती हूँ, अपना हाथ से हम सब कुछ करती हूँ, आपको कुछ खिलाना नहीं पड़ता, लेकिन हम तो बिना मोल के दासी है, हैं इसलिए आपसे कुछ लिए बगैर सब कुछ हम अपना लिए करके फिर तुमको हम प्रेम करते हैं, मतलब हम तुमसे कुछ ले नहीं रहे हैं, केवल तुम्हें हम प्रेम कर रहे हैं, केवल तुम्हें हमें प्रेम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बोले प्रभु उसी तरह हम सर्वस्व
हम तुम्हारी सेवा में ही, तुमसे कुछ लिए नहीं, सर्वस्व तुम्हारी सेवा में, तन मन सब कुछ तुम्हारी सेवा में हम लगा दे। जैसे गोपियां दिन भर तुम्हारी चिंता में मन मना भव मत मत भव मातांग मनस का, कृष्ण कहते हैं जैसे गोपियां संपूर्ण उनकी चिंता में ही अपना मन को डुबा देती थी, उसी तरह हम भी अपना मन को तुम्हारी सेवा में ऐसे चिंतन में डूब जाए। फिर उन्हें लास्ट का जो श्लोक कहते हैं, बोले मामा उत्तम श्लोक जनेशु सख्य संसार चक्रे भ्रमित स्वकर्म भी। बोले हे प्रभु, तुम्हारी माया को द्वारा पढ़ करके संसार में हम जैसे हम भ्रमण क्यों नहीं करें, लेकिन हमें केवल एक चीज दे दो, मामा उत्तम श्लोक जनेशु सख्य, जो उत्तम श्लोक जनेशु सख्य, इसलिए आपका जो भक्तों का ना हमें संग प्रदान करें। हम लास्ट में प्रार्थना करते हैं, केवल हमें एक ही चीज चाह दो, तुम्हारी भक्तों का संग, भले ही माया में हम क्यों भ्रमण नहीं करें, केवल आपके भक्तों का संग हमें चाहिए। साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, हैं। इसलिए जिसको श्री पृथ्वी महाराज कहते हैं, बोले तुलेयाम लभे नापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुदासिस्य। जब चतुसन श्री पृथ्वी महाराज जी घर में आए, तब पृथ्वी महाराज भगवान का बता रहे साधु संघ की महिमा भगवान कहते हैं। बोले कदे चतुसन, आज तो हमारा भाग्य चल गया है, आज मेरे घर में चतुसन जैसे इतने बड़े बड़े महान साधु हमारे घर में आए। कहते हैं, वो कह रहे हैं तुलेयाम लवे ना पिना स्वर्ग न अपनर्भव, अगर जीवन में एक लव साधु संग हो जाए। बोले एक लव कितना है? बोले जैसे एक सेकंड है, एक सेकंड को 11 भाग करो, एक सेकंड को ग्यारह, जैसे एक एक सेकंड हो गया, उसको 11 भाग करो, 11 भाग का एकमा भाग को एक लव कहते हैं। अगर इतना समय भी अगर जीवन में हमें साधु संघ की प्राप्ति होगी, इतना समय है जब पलक झपते ही जो समय होता है, अगर जीवन में इतना समय अगर साधु संघ हो जाए, कभी साधु संघ से इतना बड़ा चीज मिलेगा। बोले न स्वर्ग न अपनर्भव, मतलब स्वर्ग लोक में कितना आनंद है, यहाँ पर जितना आनंद सगुण ज्यादा आनंद है, मोहलोक में इसमें सगुण, तपलोक में इसमें सगुण, सत्यलोक में सगुण, और जो ब्रह्मलोक में जो आनंद की अथाह है, आनंदमयम ब्रह्म, हाँ, इसलिए आनंदमयम ब्रह्म वो अथाह आनंद है। लेकिन इसमें जितना आनंद यहाँ से लेकर वहां तक जितना आनंद है, हैं, लेकिन अगर एक लव जीवन में साधु संग हो जाए तो उसमें इतना आनंद है, इतने आनंद है, कि ये आनंद उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए कहते तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धली एक तुला एक अंग, बोले के तराजू ले लो, हैं, तराजू लेकर के तराजू का एक तरफ में स्वर्ग आनंद से लेकर के ब्रह्मलोक का आनंद को एक तरफ में रख लो, और तराजू का एक तरफ में एक लव साधु संघ का फल रख लो ना, इसको साथ में इतना आनंद है, ये सारे आनंद को एकत्रित करने पर भी एक लव साधु संघ में जो आनंद इसके साथ में बराबर नहीं कर सकते। तो साधु संघ की इतने महिमा साधु संघ की, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले क्यों भैया, साधु संघ की इतने महिमा क्यों, किस लिए साधु संघ की इतना महिमा बताए, उसका कारण बताए। बोले कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, साधु संघ से जो कृष्ण भक्ति का जो जन्म और मूल है ना, वो साधु संघ से मिले। क्यों? बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा, बिनु सुलभ ना सोई, भगवान की कृपा नहीं होने पर साधु संघ नहीं होता, और साधु संघ नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता तो भक्ति नहीं कर सकते, हैं। इसलिए साधु संघ करने पर क्या होता है, हमारे हृदय ना एक क्षति है, साधु जब हरी कथा सुनते है ना, कहते हरी कथा सुनने पर तभी भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जगती है, जो श्रद्धा कहाँ से जगेगी, बोले साधु संघ से जब हरी कथा सुनेंगे, जब हरी कथा सुनेंगे तभी तो हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा आएगा, श्रद्धा आएगा, वो श्रद्धा की आगे ही बीज है,
श्रद्धा ही यही बीज है, है? जैसे श्रद्धा है तभी तो हम भगवान भजन कर रहे हैं, श्रद्धा है तभी तो माला जप कर रहे हैं ना, श्रद्धा है तभी तो हम ठाकुर को भक्ति पूजा तभी तो कर रहे हैं। श्रद्धा नहीं होता तो हम करते नहीं। ये श्रद्धा कहाँ से मिलेगी? बोलिए साधु संग से ही हमें ये श्रद्धा ये बीज ये साधु संग से ही मिलेगा। इसलिए साधु संग के बगैर जीव का कोई कल्याण है नहीं। इसलिए अंतिम श्लोक में कहते हैं प्रभु संसार में कहीं भी हम भ्रमण करें जैसे आपका भक्तों का संग हम मिलते रहे इतना कृपा करो। जैसे ध्रुव जी को जब भगवान दर्शन दिया बोले परमा